नमस्कार, राधे राधे। मैं कुसुमलता छिब्बर, मेरी आयु 74 ईयर है। मेरा पेशा टीचर है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं काफ़ी समय से अपने शरीर के दर्दों से परेशान थी, क्योंकि मैं ऑस्टियोपोरोसिस हूँ। मैंने एलोपैथिक इलाज बहुत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैंने टीवी में डॉक्टर प्रताप चौहान जी को सुना, देखा, तो मैं भी आकर्षित हुई कि मुझे आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार कराना चाहिए जीवा में जाकर। तो मैं जीवा ग्राम में आई। यहाँ आकर पहले तो मैंने वातावरण देखा यहाँ का, जो मैं बहुत प्रसन्न हुई। प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ पर एकांत में रहने का बहुत अच्छा, अपने आप को जानने का अवसर मिलता है। फिर यहाँ के डॉक्टरों के पास आई मैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने मेरे से सुना कि मुझे क्या समस्या है, और फिर उन्होंने उसका उपचार बताया, जिसमें पंचकर्मा, जो कि मेरे शरीर के दर्दों के लिए था, जिसमें मुझे बहुत राहत मिली, और अनिद्रा के लिए, जिसमें नींद नहीं आती थी, उसके लिए मुझे शिरोधार्य उन्होंने प्रोवाइड करवाया। उससे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं नींद की टेबलेट्स लेती थी और अब नहीं ले रही हूँ। इसके बाद घुटनों के दर्द के लिए उन्होंने जानुवस्ती, कमर के दर्द के लिए कटिवस्ती और गर्दन के दर्द के लिए ग्रीवावस्ती का उपचार किया, जिससे मुझे 100% मुझे लाभ मिला और मैं दर्दों से मुक्त हूँ और मेरा शरीर बहुत सामान्य एक्टिव हो गया है। यहाँ पे बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आप कैंटीन में डाइनिंग हॉल, जो कि एकमात्र शांति का वातावरण है, वहाँ जाके आप सुबह का नाश्ता, जो कि बहुत ही लजीज, और उसके बाद आपको दिन में लंच मिलता है। लंच में भी बहुत बढ़िया खाना मिलता है, जो हमें इस समय खाना चाहिए या हमारी उम्र में जो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यहाँ के कैंटीन वाले कुक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ सारी बातें हमारी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसी तरह से हमको ट्रीट करते हैं। जो ट्रेन थेरेपिस्ट हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ट्रेंड हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और हम लोगों को मसाज, पंचकर्मा, जो भी उनको उपचार देना है, बहुत धैर्य और प्रेम से देते हैं, जो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम उनको आत्मसार करते हैं और उसके बाद हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाते हैं। सबसे एक अच्छी बात बोलूँगी, यह अध्यात्म बहुत है। अध्यात्म के मतलब है कि हम ईश्वर से भी जुड़ते हैं। आपको गेट से एंट्री करने के बाद राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। आके पहले माथा टेकिए, फिर उसके बाद सुबह हवन होता है, उसके बाद हम लोग उसकी हवन की परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए थेरेपिस्ट के पास आते हैं। और इससे बढ़िया उपचार तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद लेके हम अपना उपचार शुरू करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी किसी भी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एक बार जीवा ग्राम में आकर अपना उपचार अवश्य कराएं। धन्यवाद।